लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमरे कई लोग अगवा हुए, कई मारे गए, उनके घर वालों का दर्द तो हमें नजर आया, लेकिन हम महसूस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बस बुजदिलों की तरह अपनी अपनी जान की परवाह करते रहे। हम में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं थी, मगर अब हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए, तीनों के लिए, बरसों से जो हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। तेरी बीवी में बहुत करंट है, किसी दिन हमको भी बत्ती जलाने दे। ए मनका, ए सुनो, शाम को घर पे मत जाइयो, तुम्हारी बहन घर पे अकेली है। हम जाएंगे। चल भाई, टाइम हो गया, बवाल शुरू करो, हम पीछे से रोकते हैं। फैसला सुनाती है कि जांच अधिकारियों के पास रोशनी शुक्ल को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं, क्योंकि लड़की किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान शिनाख्त परेड में नहीं कर पाई, इसीलिए उसे घर जाने की इजाजत दी जाती है। जांच अधिकारी यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि गुमशुदा लड़कों का कत्ल हुआ। अगर कत्ल हुआ है तो लाशें कहां, कत्ल किसने किया है और कत्ल की वजह क्या है? SP अजाक शत्रु सिंह और अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत उन्हें दोष मुक्त करा देती। इस मुकदमे के दौरान जांच अधिकारी ने कई नए गवाहों के बयान दर्ज किए, मगर वो कोर्ट में किसी को पेश करने में पूर्ण तरह असफल रहे। जांच अधिकारियों को अत्यधिक बल प्रयोग करने और सरकारी तंत्र और साधनों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता है। इसके अलावा जन समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए और इस मुकदमे को मीडिया की सहायता से सनसनीखेज बनाने के लिए अदालत जांच अधिकारियों को सख्त चेतावनी देती है। और अगर टीवी में आने का इतना ही शौक है तो जाके किसी सास बहू के सीरियल में काम कर लो, हीरो अपने आप ही बन जाओगे। ये केस यही खारिज किया जाता है। आइए
भाइयों, पूरे विश्व में हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां हर एप्लीकेशन हर फॉर्म पे अपना नाम जाति और धर्म भरा जाता है। ये जात पात का विभाजन आज से नहीं है, सैकड़ों साल से चला आ रहा है। यह जात पात का विभाजन हमारे में से कोई जानता है किसने किया है ये सब? कोई उन लोगों की शक्ल पहचान सकता है? हिम्मत करके कोई तो सामने आ, बोले किसने किया ये सब? तुमने किया है सब। क्या हुआ?
पिस्टल कहाँ है तुम्हारी? लाया नहीं, भागो। Enough is enough। तुम यहां तीन लड़कों को ढूंढने के लिए आए थे ना? तुम्हारी वजह से यहां 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। तुम्हारी वजह से आज पूरे देश में सीबीआई का मजाक बन चुका है। जनता, मीडिया, पार्लियामेंट, एवरीबॉडी इज रिड्यूकलिंग अस। मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है और तुम्हारी वजह से मैं और बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। जो लिखना है लिखो, मुझे जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट दो। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब ये बात सिर्फ दीनों और उसके दोस्तों की नहीं रही, जमानों से चली आ रही ऊंच नीच। मैं दिल्ली से यहां तुम्हारे जात पात का भाषण सुनने नहीं आया हूं, हद हो गई है। तुम ऑलरेडी सीबीआई का काफी पैसा और वक्त बर्बाद कर चुके हो। क्लोज द केस, शट द ऑफिस, दिस इंक्वायरी इज ओवर। हर बेवकूफ यही सोचता है कि मंदिर में हाथ जोड़ के टेस हुए बहाने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन आजकल का भगवान भी बहुत चलाक हो गया है। एक बात की दाद देनी पड़ेगी, कमाल की बीवी हो तुम, सुशील भारतीय नारी,
जो अपने पति की हर बकवास को प्रणाम करती है। इसलिए हर मर्द तुम जैसी बीवी चाहता है, और मुश्किल भी नहीं है ढूंढना। बस किसी बुजदिल लड़की से शादी कर लो, उंगलियों पे नाचेगी तुम्हारी। बिल्कुल दादियों वाले लक्षण है तुम्हारे। काश तुम्हें एहसास होता कि औरत से बीवी नहीं, किसी की माँ और बहन भी होती है। सोच कर देखो उन तीनों लड़कों की माँ और बहनों पर क्या बीत रही होगी, तभी तुम्हें उनके दर्द का एहसास होगा। सॉरी, मैं तुम्हें प्रवचन देने नहीं आया हूं, बस इतना बताने आया हूं कि मैं जा रहा हूं। पिछली बार बिना बोले चला गया था, इस बार सोचा बोल कर जाऊं। फिर मिले ना मिले, बस इस बात से शर्मिंदा हूं कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। सुरन्या, इसका ख्याल रखना।